सिक्स ग्रेट, उठाएंगे अपनी एड़ियां ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करें, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे, सामने देखने का करें प्रयास, आंखों को एक जगह पे टिका के रखने का करें प्रयास। चलिए मैं काउंट स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4। अपने फीट्स को, हम आज के जमाने में इतना बिजी हो चुके हैं, हमें कैसे बैठना, सांस कैसे लेते हैं नहीं पता। सांस देखिए, जरा फील हो रही है आपके दिल की धड़कन, हमने क्यों और अपनी बॉडी को बहुत वधिया लग गया। हर महीने ऑर्गेनाइज करो, जे हर महीने नहीं हो सकता तो 4 महीने या 6 महीने 2 बारी तक करो ऑर्गेनाइज। और बहुत वधिया वधिया आसन करवाए, जेडे इंस्ट्रक्टर्स सी उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज सी, और मैनू 15 साल हो गए योग साधना करते हुए, पर मैं ये आसन कदे नहीं देखे कि इन्नी छोटी उम्र के इंस्ट्रक्टर सी और उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज सी, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी उन्होंने इन्ने वधिया तरीके नाल दसियां, और उन्होंने जिहड़े आसन कराए उन्होंने हर एक दी यूजेस भी दसे भी किहड़े आसन दे नाल किहड़े किहड़े फायदे ने, और वो चीज़ां बहुत जरूरी आ, और उन्होंने साडे च जज्बा भरिया कि किस तरह किहड़ी चीज़ किहड़े आसन नूं करना चाहिए तो किस तरह सानूं जिहड़ा हैगा योग दे वल वधना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा भारत है उही योग दा मेन जिहड़ा हैगा सेंटर है वर्ल्ड दे विच, जे असी योग करांगे ताही असी दूजियां कंट्रीज दे विच जाके असी योग दा प्रचार कर सकते हैं। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट लुधियाना की तरफ से डिकैथलन लुधियाना में जो योगा का कैंप लगाया गया, दैट वाज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा कैंप था जिसमें उन्होंने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज और बहुत सारे पेट की एक्सरसाइज और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के बारे में हमें बताया, जो कि बहुत अच्छा था, हमें उससे बहुत
एंजॉय भी किया और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे आसनों को करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को इम्प्रूवमेंट मिले, बॉडी हेल्दी हो। इसी तरह से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं डेकैथलॉन ध्याना से कि हमारे लिए कुछ और इसी तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करें ताकि हम इससे कुछ सीख सकें और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट।